अवैध कोयला लदे 5 हाईवा जब्त, 100 टन कोयला बरामद, 3 गिरफ्तार। लातेहार एसपी अंजन को मिली गुप्त सूचना पर बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार, थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद सिन्हा ने एक टीम गठित कर 2 अलग अलग स्थानों पर जरी मोड़ और नगला ओवरब्रिज के पास से बालूमाथ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 100 टन अवैध कोयला लदा पाया गया। 5 हाईवा को जब्त किया गया। कोयला कुंडी टंडवा की ओर से अन्यत्र भेजा जा रहा था। कार्रवाई का नेतृत्व बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार कर रहे थे। जब्त हाईवा 01D145-59CDB59VB42JH01DB1268JH04R6852 में 20 टन अवैध कोयला पाया गया। कोयला लदा ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। 3 हाईवा चालक चितरंजन कुमार चैनपुर कैमूर बिहार, जगन्नाथ यादव जिपुआ बालूमाथ, नीरज कुमार सिमरिया चतरा को गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 फरार हैं। छापेमारी दल में पुनी शशि रंजन कुमार, थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद सिन्हा, पुनी प्रेम कुमार निषाद अमरवाड़ा पुलिस पिकेट प्रभारी, पुनी नीतीश कुमार तेतरिया खाड़ पुलिस पिकेट प्रभारी, सनी मुख्तार अंसारी अमरवाड़ी पिकेट थाना अमरवाड़ी सेट 165 रिजर्व गार्ड तेतरिया खाड़ सेट 204 सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। संबंध में बालूमाथ थाना में बालूमाथ कांड संख्या 22/2023 धारा 279-414 आईपीसी की 30-11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। R9 भारत के लिए बालूमाथ से प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट। जब्त किया गया है, क्या है सर पूरा मामला? पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध कोयला लदे कुछ हाईवा बालूमाथ की तरफ आ रहे हैं। उप सूचना 57 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया। दोनों टीम का नेतृत्व, एक टीम का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक एवं दूसरी टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी कर रहे थे। दोनों टीमों द्वारा 2 अलग अलग स्थान पर छापामारी की गई। छापामारी क्रम में एक जगह से 3 हवा एवं एक जगह से 2 हवा जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ था को जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 5 हवा जब्त किया गया एवं लगभग 100 टन अवैध कोयला जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है 22/23 एवं 23/23। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है चितरंजन कुमार, जगन्नाथ कुमार यादव एवं नीरज कुमार महतो। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।